Assalamualaikum क्लास, होप यू आर ऑल डूइंग वेल एंड फाइन। आज की हमारी क्लास में हम आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट्स अबाउट द सोशल इश्यूज़। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं कि आपके जो असाइनमेंट जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। इट्स बेटर कि आप जो है जितने आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन हैं वो अभी मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। लेट मी नो कि अभी मैं आपसे शेयर करूँ या हम जो है क्लास के बाद शेयर कर लेंगे। ये आप मुझे बता दें कि इफ़ यू वांट टू शेयर टू मी असाइनमेंट राइट नाउ तो मैं अभी आपसे शेयर कर देती हूँ, बट इफ़ यू वांट टू मी टू शेयर द असाइनमेंट आफ्टर द स्लाइड सो आई विल जो है आफ्टर स्लाइड आई विल कंटिन्यू द असाइनमेंट्स टू यू। दूसरी बात ये है कि वी कम टू नो के लेक्चर्स जो है उसकी जो एक प्रॉपर रिकॉर्डिंग या जो अटेंटिवनेस है टुवर्ड द लेक्चर्स आप लोगों की तरफ से, दैट्स नॉट द फीजिबल एज इट शुड बी। इट्स अप्रॉक्स के आप जो है इफ द लेक्चर इज अबाउट द 40 मिनट्स तो ऑन एवरेज जो है स्टूडेंट 40 मिनट्स के भी लेक्चर्स जो है वो नहीं कैरी कर रहे हैं और वो नहीं सुन रहे हैं, और उस वजह से जो है कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आई है। आई डोंट नो आप तक वो पहुंची है या नहीं, लेकिन बहुत स्ट्रिक्टली ये कहा गया है कि अगर जो है इस वीक में आप लोगों की लेक्चर्स के रिगार्डिंग जो है जो एक स्टेबिलिटी जो एक ग्राफिकल व्यू है वो अगर बेहतर नहीं होगा तो असाइनमेंट्स जो है वो फ्रीज कर दिए जाएंगे और आपके असाइनमेंट या तो रिसीव नहीं करेंगे या तो हम उनको फैसिलिटेट नहीं करेंगे। इसकी वजह ये है कि अप्रॉक्स एक लेक्चर्स की टाइमिंग जो है वो तकरीबन 40 मिनट या उससे ज़्यादा की होने चाहिए, और जो स्टूडेंट की इंटरेस्ट है जो स्टूडेंट्स का एक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट है जो लेक्चर्स को व्यू करने का स्टेटस है वो तकरीबन 3 मिनट से ज़्यादा है नहीं एवरेज में। और हम ये एवरेज इस तरह से देख रहे हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो स्पेसिफिक क्लास के लिए हम लेक्चर्स डिलीवर कर रहे हैं उस क्लास के नंबर ऑफ स्टूडेंट की तादाद कितनी है और कितने परसेंट स्टूडेंट्स ने जो है वो लेक्चर अटेंड किया है। सो दैट्स द रीज़न। और अगर आप लोग दैट्स द लास्ट वार्निंग कि अगर इस वीक में आप लोगों की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें रिसीव नहीं होगा सो इसके नतीजे आप लोगों के लिए बहुत बुरे हो सकते हैं। सो प्लीज़ बी सीरियस ऑन दिस। वट एवर वी आर ट्राइंग टू टीच टू यू एट दिस लेवल, प्लीज़ मेक श्योर कि आप इन्हें बेहतर तरीके से समझें। आपके क्वेश्चन क्यूरीज होते हैं आप काइंडली वो पूछा करें। आपके CR ने जो है स्पेशली आपकी क्लास के लिए ग्रुप फॉर्मुलेट कर लिया है तो आप प्लीज़ अटेंटिव रहें उस ग्रुप में। दूसरी बात ये है कि गूगल क्लासरूम जो है वो आपकी क्लास के लिए बना दिया गया है। इफ़ यू वांट कि आप अगर ग्रुप में ही ज़्यादा फीजिबल है तो ग्रुप में ही लेक्चर्स और स्लाइड्स वगैरह शेयर कर ली जाएंगी, बट अगर आप चाहते हैं कि हम गूगल क्लासरूम में भी उन्हें इंफॉर्मेशन को शेयर करें तो आप प्लीज़ बता दें। वी विल बी शेयरिंग टू यू ऑल ओवर देयर। अच्छा, फुरकान जो है वो ये कह रहे हैं कि लेक्चर्स जो है वो अभी ही शेयर कर ले, सॉरी असाइनमेंट अभी शेयर कर ले। ठीक है, तो असाइनमेंट टोटल 100 मार्क्स का आपका असाइनमेंट और असेसमेंट पेपर है, जिसमें जो है सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि नंबर ऑफ वर्ड्स की तादाद जो है वो बता दी जाएगी आप लोगों को कि हर क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिक नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होने चाहिए ये आपको बता दिए जाएंगे और यू हैव टू फॉलो दिस नंबर ऑफ वर्ड्स। दूसरी बात ये कि प्लेजरिज्म जो है वो बिल्कुल ध्यान में रखा जाएगा कि आपको प्लेजरिज्म के हवाले से एक लिमिट दी जाएगी कि इस हद तक या इस पॉइंट तक ही आप प्लेजरिज्म कर सकते हैं, उससे ज़्यादा जो है वो अलाउ नहीं है, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। नेक्स्ट इज़ दैट के आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, और अगर आप कहीं से कोई लिंक फॉलो कर रहे हैं, चूँकि बहुत सारे सेम आर्टिकल्स लिंक्स वगैरह होते हैं तो अपने ग्रुप में म्यूचुअली अंडरस्टैंड हो, आपकी क्लास के थ्रू आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और लिंक्स तो शेयर सेम होंगे लेकिन वर्ड्स शेयर नहीं हो सेम नहीं हो सकते, तो उस पे प्लेजरिज्म चेक किया जाएगा और उस बेसिस पर जो है वो प्लेजरिज्म अलाउ है। आई एम गोइंग टू शेयर असाइनमेंट विथ यू नाउ।
कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो शामिल किए गए हैं और वो कौन से क्वेश्चंस किस तरह से आपने करने हैं, और दूसरी बात ये कि तमाम सवाल जो असाइनमेंट या असेसमेंट के लिए शामिल किए गए हैं, ये तमाम के तमाम सवाल जो है ये वही हैं जो आपने इस कोर्स में पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं या आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। तो ऑल थिंग्स आर मेंशन, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कोर्स आउटलाइन में, ऐसा जो है कोई टॉपिक नहीं है जो हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। हम तमाम की तमाम चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं, उसको मेंशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। जी, सो the assessment of the course will be evaluated on the basis of a course outline which is studied in the class and virtual classes. Total mark for our assignment or for our assessment evaluation is 100% and must be submitted as one piece of a coursework. Jo bhi kaam aap kar rahe hain, that is the one piece of your coursework. Aapke pure course ke one piece isme consider kiya jayega. Your assignment for our assessment evaluation should cover the following part of each of which bears a credit. हर एक question के number of credit marks जो है वो 24 each है। Question number 1 जो है वो आपसे पहले ही share कर लिया गया था, और इस हवाले से बहुत सारे students ने ये पूछा था कि numbers या जो है वो headings हमारी इतनी सारी ज़्यादा है, words की तादाद कम है, तो 550 जो है वो minimum आपके words की तादाद होनी चाहिए और 750 आपके maximum word की तादाद होनी चाहिए। एंड क्लास ये जो है ग्रुप पे भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स के ये भी कंसर्न थे कि बहुत ज़्यादा हेडिंग्स हैं लेकिन वर्ड की तादाद आप कम बता रहे हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि आप जब इस केस स्टडी को पढ़ेंगे तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि सारे हेडिंग्स इस केस स्टडी के ऊपर शायद जो है वो फीजिबल ना हो। शायद कुछ हेडिंग्स ऐसे हैं जो हमें लेट गो करने पड़े, कुछ हेडिंग्स ऐसे होंगे जो मैच नहीं करेंगे। सो जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग के जो हेडिंग इस केस स्टडी के लिए मैच कर रहा है, आपने उन हेडिंग्स को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करना है, और जो हेडिंग्स मैच नहीं कर रहे डेफिनेटली फिर आप उनको इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे, दैट विल बी यूजलेस टू काउंटर दैट। नेक्स्ट पार्ट इज ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2, Describe the most advanced technology with which impressed you most, with the relevant detail from the need to the implementation stage in the business. आपने हमने technology के chapter को discuss किया था, उसमें innovation, technology, information systems को हमने and automation को discuss किया था। So एक ऐसी technology इन दिनों में जिनसे आप काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुए, आपको लगा कि इस टेक्नोलॉजी ने, इस टेक्नोलॉजी के इम्प्लीमेंटेशन की वजह से बिजनेस में एक अच्छा खासा इनोवेशन जो है वो एक इनोवेटिव चेंज, इनोवेटिव स्टेज की तरफ बिजनेस आ गया है। सो आपने उस टेक्नोलॉजी को डिस्क्राइब करना है, आपने उसकी इम्प्लीमेंटेशन बतानी है कि वो कौन सी फील्ड में वो टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट हो रही है, आप क्यों उससे इम्प्रेस हुए हैं, वो कौन से रीजन्स थे, और उस टेक्नोलॉजी की वजह से बिजनेस में क्या चेंजेस आए, किस तरह से बिजनेस ने ग्रो किया। आपने वो तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो डिस्क्राइब करनी है, और वर्ड लिमिट जो है वो 250 to 300 होने चाहिए, और ये वर्ड डॉक्यूमेंट में ही होने चाहिए ताकि हम इस पर प्लेजरिज्म को जो है वो चेक कर सकें। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आप क्लास में पढ़ चुके हैं, आप क्लास में ये प्रेजेंटेशन दे चुके हैं, जिन्होंने नहीं दी दे हैव अपॉर्चुनिटी ताकि वो अपनी प्रेजेंटेशन को दोबारा से बना सके। द क्वेश्चन नंबर 3 इज स्टडिंग दैट शेयर अ प्रेजेंटेशन ऑन अ पावर पॉइंट अबाउट CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से जो क्लास में प्रेजेंटेशन दी गई थी आपकी तरफ से, जो कुछ स्टूडेंट ने बहुत फॉर्मल तरीके से दी थी और कुछ स्टूडेंट ने बड़े ही इनफॉर्मल तरीके से दी थी, तो आपने अपनी उस प्रेजेंटेशन को पावर पॉइंट में प्रॉपर तरीके से बहुत अच्छे से बनाना है। 20 नंबर के ये सवाल है, तो आप अब देख लें कि आपने किस तरह से एक बड़ी ज़बरदस्त और अच्छी सी प्रेजेंटेशन बनानी है जिससे टीचर भी मुतासर हो सके और आपको फुल मार्क्स मिल सके। नेक्स्ट इज असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 4,
समराइज एन आर्टिकल अबाउट द चाइल्ड लेबर इन पाकिस्तान. चाइल्ड लेबर इन पाकिस्तान के हवाले से आपको नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो है वो इंटरनेट पे मिलेंगे. आपने एक आर्टिकल को समराइज करना है. अब जब आप और आपने एक से ज़्यादा आर्टिकल्स की तरफ भी जाएंगे, क्योंकि एक आर्टिकल शायद इतने अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन ना कर सके, तो आपने आर्टिकल एक से ज़्यादा आर्टिकल्स में आपने समराइज कर लिए हैं. फाइन, एक या एक से ज़्यादा. अगर एक बहुत अच्छे से ब्रीफली डिस्क्राइब कर रहा है आप चाइल्ड लेबर के हवाले से, कौन सी इंडस्ट्री इंगेज है, क्या क्या चीज़ें इफ़ेक्ट हो रही हैं, किस तरह से पाकिस्तान में इफ़ेक्ट हो रहा है, आप इन तमाम चीज़ों को डिस्क्राइब कर सकते हैं. जितनी अच्छी एडिशनल इंफॉर्मेशन आप देंगे उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे. और ध्यान रखें कि ये 20 नंबर का सवाल है और प्लेजरिज्म जो है वो आपके हर क्वेश्चन में देखी जाएगी, तो इस चीज़ का आपने बहुत बेहतर तरीके से ध्यान देना है. नेक्स्ट इज़ अगेन यहाँ पे भी वर्ड्स की तादाद बता दी गई है. नेक्स्ट इज़ अबाउट द ब्रीफली एक्सप्लेन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड हाउ इंटरनेशनल ट्रेड इज एफिलिएटेड विद द BOP. BOP इज़ फॉर द बैलेंस ऑफ पेमेंट. आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को बहुत बेहतर तरीके से डिस्क्राइब करना है, ब्रीफली उसे एक्सप्लेन करना है, और आपने लिंक करना है कि किस तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड के साथ एफिलिएट है. और इसमें भी वर्ड की तादाद जो है वो 250 to 300 वर्ड्स की होनी चाहिए. प्लेजरिज्म जो है वो डेफिनेटली चेक किया जाएगा. इवन आपके विद इन अ क्लास स्टूडेंट्स के भी असाइनमेंट का प्लेजरिज्म चेक किया जाएगा. आई नो कि बहुत ग्राउंड ऐसा है कि आपके पास टॉपिक्स सेम हैं, आप शायद सेम लिंक्स की तरफ जाएं, लेकिन जितना भी आप सेम लिंक की तरफ जाएं, आपके दिमाग सेम चीज़ें या सेम बात नहीं कह सकते. हर एक के अपने व्यूज़ होते हैं चीज़ों को देखने के, अंडरस्टैंड करने के. सो आपने खुद से अपने असाइनमेंट बनाने हैं, खुद से लिखने हैं, इसीलिए आपके असाइनमेंट्स में भी प्लेजरिज्म को चेक किया जाएगा. और विद इन अ क्लास भी प्लेजरिज्म को प्रॉपर तरीके से देखा जाएगा, कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट योर असाइनमेंट. और आपके असाइनमेंट जो हैं वो इंशाल्लाह आज के दिन आप लोगों से शेयर कर लिए जाएंगे, ताकि आप अब से अपने असाइनमेंट को सॉल्व करने में और इनको प्रॉपर तरीके से टाइमलाइन को फॉलो करने में आप दिल जान से मेहनत करें. नाउ वी आर मूविंग ऑन. आज का टॉपिक स्टार्ट करने के लिए जाते हैं, एंड दैट टॉपिक इज अबाउट द सोशल इश्यूज. सोशल इश्यूज क्या होते हैं और सोशल इश्यूज के हवाले से आप लोगों की क्या अंडरस्टैंडिंग है. लेट मेक इट अ लिटिल बिट इंटरेक्टिव सेशन. राइट नाउ तकरीबन ज़्यादा लोग तो ग्रुप में हैं, लेकिन 6 लोग जो हैं वो अभी व्यू कर रहे हैं. सो वॉलंटियरली अगर आप में से कोई ये बताना चाहे कि व्हाट द सोशल इश्यूज आर, सोशल इशू होते क्या हैं, कोई एक या दो के करीब इश्यूज के जो है नाम आप चैट बॉक्स पे लिख कर भेजें. आई एम वेटिंग फॉर 1 मिनट ऑन इट. I'm waiting for a response from you guys regarding what's the social issue is. और अगर आप किसी एक social issue को by name यहाँ पर लिख कर share कर सकते हैं तो that will be good. ओके, सो नो वन इज रिस्पॉन्सिंग ऑन इट. या ये कि आप लोग शायद अपने मोबाइल फोन या लगा के ही चले चुके हैं. यू डोंट नो व्हाट द सोशल इश्यूज आर. चले, देयर इज नो रिस्पॉन्स ऑन द क्वेश्चन. स्टार्ट कर लेते हैं.
जी सोशल इश्यूज क्या होते हैं, यहाँ पर एक पिक्चर फॉर्म में एक स्लाइड दी गई है, बहुत सारे अलग अलग किस्म के वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, लाइक सोशल इश्यूज, केयर, राइट्स, वायलेंस, प्रोफाइलिंग, रेसिज्म, ग्रे इमिग्रेशन, टॉपिक्स, प्रॉब्लम्स, अब्यूज, कंटेम्पररी हेल्थ केयर, एडिक्शन, रेसल सोसाइटी, इनइक्वालिटी, दीज आर ऑल द सोशल इश्यूज इन आवर सोसाइटी, प्राइवेसी, इन्वायरमेंट, ड्राइविंग, तो ये वो तमाम इश्यूज हैं जो सोशल इश्यूज के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, जो किसी भी एक इंडिविजुअल को परेशान कर सकते हैं, टेंस कर सकते हैं, स्ट्रेस भी लेकर आ सकते हैं, और एफिशिएंसी लेवल जो है किसी एक इंडिविजुअल की जो है वो ये इश्यूज कम कर सकते हैं। सोशल इश्यूज या सोशल प्रॉब्लम आर द जनरल फैक्टर दैट इफेक्ट एंड डैमेज सोसाइटी, आल्सो नोन एज सोशल इश्यूज समटाइम, इन्हें हम सोशल प्रॉब्लम भी कहते हैं, और ये वो प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमारी सोसाइटी के ऊपर कोई मस्बत असरात नहीं छोड़ते, बल्कि हमेशा मनफी असरात जो है वो ये छोड़ देते हैं। अ सोशल प्रॉब्लम इज नॉर्मली अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब प्रॉब्लम्स विद अ पर्टिकुलर एरिया और अ ग्रुप ऑफ अ पीपल इन द वर्ल्ड। व्हेन वी टॉक अबाउट अ सोशल प्रॉब्लम और सोशल इश्यूज दैट डेफिनेटली रिलेट विद द पर्टिकुलर एरिया और पर्टिकुलर पीपल पर्टिकुलर ग्रुप, जब भी आप बात कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम रेसिज्म की बात करेंगे, सो रिसेंटली वी हैड सीन एन इंसिडेंट इन अमेरिका, पूरे स्टेट्स में जो है एक इंसिडेंट की वजह से आपने देखा कि किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया था रिगार्डिंग द रेसिज्म इन द कंट्री, और दे जस्ट फॉरगेट अबाउट द पेंडेमिक, दे जस्ट फॉरगेट अबाउट द COVID-19, और सब लोग जो है वो उसके ऊपर एक्ट कर रहे थे, रिएक्ट कर रहे थे, और लग ही नहीं रहा था कि ये वो स्टेट है जिसके डिसिप्लिन के हवाले से मिसालें दी जाती हैं। एक सोशल इशू की वजह से, एक सोशल प्रॉब्लम की वजह से ओवरऑल कंट्री के ऊपर किस तरह का इफेक्ट आया, दैट्स सीन इन रीसेंट डेज रिगार्डिंग द यूएस। सोशल प्रॉब्लम ऑफन इन्वॉल्व प्रॉब्लम दैट इफेक्ट द रियल वर्ल्ड, इट ऑल्सो इफेक्ट हाउ पीपल रिएक्ट टू सर्टेन सिचुएशन दैट सीन इन पास्ट फ्यू डेज। हमने देखा कि जिस तरह से एक एक्चुअल में चीज़ों ने किस तरह से इफेक्ट किया ऑन द इकॉनमी, ऑन द सिचुएशन, ऑन द साइकी ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, और हाउ द पीपल रिएक्ट ऑन इट, उस सिचुएशन में लोगों ने, ना सिर्फ लोगों ने बल्कि पूरी दुनिया ने जिस तरह से जो है रिएक्शंस अपने जाहिर किए वो हम देखें, एंड दीज आर द रिएक्शन विच ऑलवेज अकर्ड फॉर द सोशल इश्यूज। सोशल इश्यूज में कुछ कंपोनेंट या सोशल इश्यूज में आप ये कहें कि कुछ चीज़ें जो शामिल हैं जिनको हम सोशल इश्यूज के दायरे में देखते हैं, उनमें पॉवर्टी, गुर्बत जिसे हम कहते हैं, रेसिज्म यानी कि नस्ली इम्तियाजात होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट जिसे हम बेरोजगारी भी कहते हैं, और भी बहुत सारे इश्यूज हैं जो हम आगे देखेंगे और उन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि वन बाय वन हम उन्हें डिस्कस कर सकें। ओके, दीज आर द सोशल इश्यूज विच आर यूज टू सी इन पाकिस्तान, के पाकिस्तान में बहुत सारे सोशल इश्यूज हैं इनके अलावा भी, लेकिन मेजॉरिटी जो इश्यूज पाकिस्तान में देखे जाते हैं उनमें ओवर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, वी आर ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, हमारी कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ रही है, दैट इज़ वन ऑफ द सोशल इशू, जहाँ रिसोर्स की बात कर रहे होते हैं, जो रिसोर्स 5 अफराद के लिए होने चाहिए उन्हें 100 लोग यूटिलाइज कर रहे होते हैं, सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, या हमने जैसे डिस्पैरिटी ऑफ वेल्थ की बात की थी, डिस्पैरिटी ऑफ रिसोर्स की अगर आप बात करेंगे तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बिकॉज द पॉपुलेशन रेशियो इज नॉट अकॉर्डिंग टू द रिसोर्स विच आर अवेलेबल इन आवर रीजन और इन आवर कंट्री। पॉवर्टी, गुर्बत, आपको पता है कि हाउ द वॉट इज़ द पॉवर्टी रेट इन पाकिस्तान, और आगे हम इसको बहुत ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि वॉट द पॉवर्टी रेट इज़, वॉट इज़ द पॉवर्टी रेट और पीपल लिविंग इन बिलो द पॉवर्टी लाइन इन पाकिस्तान किस तरह से सर्वाइव कर रहे होते हैं, और हम इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, और वो कौन से इंडिकेटर्स हैं जो लोगों की पॉवर्टी रेट्स को डिफाइन कर रहे होते हैं, एंड दिस टर्म इज़ ऑल्सो यूज टू बी स्टडीड इन द इकोनॉमिक्स, तो आप वहाँ पर भी इन चीज़ों को देख रहे होते हैं। पॉपुलेशन, सॉरी, पोल्यूशन,
पोल्यूशन, आपको पता है कि पाकिस्तान में पोल्यूशन किस हद तक है एज द नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीजेज द पोल्यूशन इन द कंट्री आल्सो इंक्रीज बिकॉज पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा द लोगों की रहन सहन के मसाइल उस हद तक बढ़ेंगे और चीज़ों को जिस तरह से यूटिलाइज करेंगे लाइक फ्यूल की कंज्यूमर होगी एम्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये तमाम की तमाम चीज़ें इसमें शामिल होती हैं जो आपके ओवरऑल इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड कर लेती हैं। सनाइज आसिंग रेसिज्म क्या होती है? रेसिज्म का मतलब है नस्ली इम्तियाज यानी कि आपने किसी के रंग के बेसिस पर किसी के नस्ल के बेसिस पर आप इनइक्वालिटीज की बात कर रहे होते हैं। अगर आपको याद होगा हमने डिस्पैरिटी की बात की थी इन डिफरेंसेस की बात की थी कि आप लोगों को उनके पैसों के बेसिस पर आप लोगों को उनके जॉब्स के बेसिस पर आप लोगों को उनके रंग या उनके नस्ल के बेसिस पर आप लोगों को उनके लिविंग स्टैंडर्ड के बेसिस पर जो आप इम्तियाज बनाते हैं उन डिफरेंसेस क्रिएट कर रहे होते हैं उसे डिस्पैरिटी कहते हैं। और रेसिज्म का मतलब होता है कि आप किसी के रंगत पर किसी की लिसानियत पर किसी के नस्ल पर जिस तरह से आप तफरीक कर रहे हैं उसे रेसिज्म कहा जाता है। सो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे पाकिस्तान में रेसिज्म के भी बहुत इश्यूज हैं। यहाँ पर चाइल्ड लेबर हमारे पास एक बहुत बड़ा इशू है और इसे बहुत ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट एक सोशल इशू में शामिल होता है बेरोजगारी और इस कोविड की सिचुएशन में तो अब बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर चुकी है। इन एक्टिवनेस ऑफ अ यूथ इन अ पॉलिटिक यूथ की जो है ये एक इशू है कि यूथ इतनी जो है एक्टिवली पॉलिटिक्स में जो है वो इंगेज नहीं होती है या वुमेन की एक्टिवली पॉलिटिक्स में इंगेजमेंट नहीं होती जिसकी वजह से इनको वल्नरेबल कहा जाता है यानी कि वो लोग जो तादाद में ज़्यादा हैं लेकिन उनकी रिप्रेजेंटेशन उस हद तक नहीं है जिसकी होनी चाहिए। रेसिज्म की अगर हम बात करेंगे नस्ली इम्तियाजात की बात हम करेंगे रिसेंटली हमने देखा कि हमारे पास भी केपी का शायद ये इंसिडेंट है कि किसी क्रिश्चियन को जो है वो इस बेसिस पर जला दिया गया था या उसको मारा गया था कि शायद वो एक मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में उसका घर था। तो ये इस तरह के इम्तियाजात हमारे मुल्क में भी पाए जाते हैं। करप्शन किस तरह से हमारे लिए प्रॉब्लम है ये हम इससे पहले लेक्चर से बहुत ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं। अर्ली मैरिज ऑफ अ गर्ल्स गर्ल्स की जो अर्ली चाइल्ड मैरिज एक इशू है और जो कवानीन ने जो हक के एक जो है हुदूद दी गई हैं कि वो कौन से एज राइट ब्रैकेट्स होने चाहिए जिसमें बच्चियों की शादियां कराई जाती है वो उसको फॉलो नहीं किया जाता तो वो भी एक इशू जो है वो हमारे पास पाकिस्तान में है। फोर्सली कन्वर्जन का एक इशू है ज़बरदस्ती आप किसी के मजहब को तब्दील करते हैं ये एक तरह का सोशल इशू भी पाकिस्तान में देखा जाता है। अनइक्वल डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ अ रीजन के बेसिस पर जो डेवलपमेंट का काम है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता और ये हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि पाकिस्तान में वो कौन कौन से रीजन हैं जहाँ पर डेवलपमेंट के काम जो है वो उस हद तक नहीं है जैसे होना चाहिए जिसमें से सबसे लेस डेवलप रीजन की जो हमने बात की थी तो दैट वॉज द बलोचिस्तान। एंड एजुकेशन प्रॉब्लम पाकिस्तान में है बिकॉज दैट्स नॉट इक्वल फॉर इन ऑल रीजन और जो हमारे बजट होते हैं उसकी एक्सपेंडिंग एजुकेशन पर जितनी है वो उस हद तक अप्रोप्रिएट नहीं है जैसी होनी चाहिए। सो दीज आर द सोशल इशूज जो पाकिस्तान में देखे जाते हैं और पाकिस्तान में ये इशूज जो हैं वो हैं और इन बेसिस पर जो है हमारे मुल्क में बहुत सारे प्रॉब्लम जो हैं वो क्रिएट होते हैं। Now, the first issue which we are going to discuss is about the poverty, या जिसे हम गुर्बत भी कहते हैं। बहुत अच्छा होगा अगर आप अपने इन assignments को solve करने के लिए या आप अपनी understanding के लिए sustainable development goals को पढ़ें SDGs को आप पढ़ें। sustainable development goals आपके लिए बहुत supportive होंगे कि आप इन topics को इन issues को बेहतर तरीके से समझ सकें। पॉवर्टी के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। पॉवर्टी इज़ ए स्टेट और अ कंडीशन। स्टेट और कंडीशन मतलब एक कैफियत है। पॉवर्टी इज़ ए स्टेट और अ कंडीशन इन विच अ पर्सन और कम्युनिटी लैक्स द फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड एसेंशियल फॉर अ मिनिमम स्टैंडर्ड लिविंग। एक तो ये कि उनके पास जो फाइनेंशियल रिसोर्स की भी हम बात कर रहे होते हैं यानी कि मॉनिटरी वैल्यूज पर या पैसा जो रिसोर्स होते हैं वो उनके पास कम होते हैं और बेसिक या ज़रूरी सामान्य ज़िंदगी जो है
वो भी उनके पास कम होते हैं जहाँ पर वो एक बुनियादी तर्ज की जिंदगी गुजार सके. पुअर्टी मीन्स दैट द इनकम लेवल फ्रॉम अ एम्प्लॉयमेंट इज सो लो दैट बेसिक ह्यूमन नीड्स कैन कांट बी मीट. पुअर्टी का मतलब ये होता है कि जहाँ पर आपकी आमदन, जो भी आप काम कर रहे हैं, जो रोजगार आपके पास है, जो जिस रोजगार के बेसिस पर काम किया जाता है, उस रोजगार की जो आमदन है वो इस हद तक कम होती है जिसकी वजह से जो बेसिक ह्यूमन नीड्स होते हैं, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी होते हैं, वो पूरे नहीं हो पाते. पॉवर्टी स्ट्रिकन पीपल एंड फैमिलीज माइट गो विदाउट प्रॉपर हाउसिंग, क्लीन वाटर, हेल्दी फूड एंड मेडिकल अटेंशन. पॉवर्टी की वजह से ये होता है कि शायद किसी हद तक लोगों के पास वो बुनियादी सहूलियात मौजूद ना हो जिनकी उन्हें ज़रूरत हो, जैसे कि रहने के लिए घर, पीने के लिए साफ पानी, खाने के लिए सेहतमंद गिज़ा और अपनी बीमार या सेहतमंद मेडिकल की अटेंशन उनके लिए प्रोवाइड ना हो. द इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन इज अ मॉनिटरी थ्रेशोल्ड अंडर विच एन इंडिविजुअल इज कंसिडर्ड टू बी लिविंग इन अ पॉवर्टी. नाउ इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन का मतलब क्या होता है, ये कि एक तरह की आप ये कहें कि एक बाउंड्री होती है, एक लाइन होती है जो ये डिस्क्राइब करती है कि आपका रहन सहन, आपके रहने का अंदाज या आपके रहने की नौइयत जो मॉनिटरी बेसिस पर, वो किस हद तक है, जो ये डिस्क्राइब करें कि क्या वाकई में आप शरे गुर्बत के अंदर हैं या आप उससे कम क्वांटिटी में हैं या बेहतर कंडीशन में आप रह रहे हैं. इट इज़ कैलकुलेटिंग बाय टेकिंग द पॉवर्टी थ्रेशोल्ड फ्रॉम ईच कंट्री. अब जो पॉवर्टी लाइन है हर मुल्क के लिए एक अलग तरह से डिस्क्राइब की जाती है. Given the value of a good needs to sustain one adult and converting it into a dollar, because dollar is a standard rate, dollar is a standard monetary value जो पूरी दुनिया में same standard पे calculate की जाती है, तो poverty line भी जो है वो भी dollar के basis पर जो है वो calculate की जाती है, and that's based on the number of a household on one adult, एक बंदे के इस्तेमाल के लिए जो need of a household होते हैं उसके basis पर poverty line को कैलकुलेट किए जाते हैं. इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन जो फिल वक्त करंट जो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है, दैट इज़ डॉलर 1.90 पर डे. अब आप जब डॉलर को कन्वर्ट करेंगे सो यू कैन सी, और आप देखेंगे कि हमारे मुल्क में कितने लोग जो हैं 1.90 से कम के रेशो पर जो है वो कमा रहे हैं. इफ़ आई सेट दैट इज़ 1.90, इसका मतलब ये है कि एक दिन में वो लोग जो एक दिन में 316 के करीब कमा रहे हैं, एक दिन में जिन लोगों की कमाई जो है वो 316 है, दैट इज़ ऑन द पॉवर्टी लाइन. जो 316 से ज़्यादा कमा रहे हैं, दैट इज़ अबव द पॉवर्टी लाइन, और जो इस वैल्यू से कम कमा रहे हैं, दैट इज़ बिलो द पॉवर्टी लाइन. और पाकिस्तान के हवाले से कहा जाता है कि हमारे मुल्क में 24% लोगों की तादाद ऐसी है, वन थर्ड जी ऐसी है जो बिलो द पॉवर्टी लाइन जो है वो कमा रहे हैं. और ये भी कहा जाता है कि एज कम्पेयर टू पास फ्रॉम डेटा ऑफ 1987 टिल टुडे, पाकिस्तान में जो पॉवर्टी लाइन है वो इंक्रीज हो रहा है, वो बेहतरी की तरफ जा रहा है, जो लोगों की तादाद है वो बेहतर हो रही है. Poverty and Pakistan. The most incurable disease of our Pakistan is the inflation which is devouring the poor day by day. Pakistan में महंगाई बिल्कुल एक बीमारी की तरह है जो दिन ब दिन गरीब के लिए बढ़ती ही जा रही है. More than a third of Pakistan's population is living below the poverty line. Pakistan में third जो है more than third of Pakistan population, more than 75% of population of Pakistan is living below the poverty line. According to expert, our poverty is caused by inflation, unequal distribution of resources, lack of facilities, high employment rates and growing population. ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारे मुल्क में गुर्बत सबसे ज़्यादा बढ़ रही है. इन वजूहात की वजह से हमारे मुल्क में गुर्बत दिन ब दिन बढ़ रही है, जिसमें महंगाई, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, वो जो रिसोर्सेज या जो ज़राए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होती,
लैक ऑफ फैसिलिटीज, बुनियादी जरूरियात मुहैया नहीं है हमें, हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी की सतह बहुत ज़्यादा है, एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन, और जो है बढ़ती हुई आबादी, ये वो इश्यूज हैं जो पाकिस्तान में पॉवर्टी को बढ़ा रही है. द राइजिंग पॉवर्टी इज द रिजल्ट ऑफ अ पुअर गवर्नेंस एंड स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ. हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. बट द गवर्नेंस प्रोसेस ऑफ द कंट्री इज ऑल्सो नॉट सो गुड. गवर्नेंस का मतलब ये है कि आप प्रॉपरली चेक एंड बैलेंस चीज़ों पे रखें, गवर्न करें. गवर्न इज फॉर द गवर्नमेंट प्रोसेसेस. हम जानते हैं कि हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन किस हद तक अकाउंटेबल है फॉर देयर एक्ट. सो जब गवर्नेंस प्रोसेसेस बेहतर होंगे, गवर्नेंस डेवलपमेंट कंट्री में होगी, हर इदारे अपना काम बेहतर तरीके से करेंगे, तो डेफिनेटली जब वो बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे, फैसिलिटेट करेंगे सिटीजन को अकॉर्डिंगली दैट. जब हमारे मुल्क में गवर्नेंस के प्रोसेस एंड प्रोसीजर बेहतर होंगे तो हमारा मुल्क डेफिनेटली ग्रो करेगा. इदारे अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभाएंगे और उन्हें पूरी करेंगे. उस जिम्मेदारी के बेसिस पर मुल्क में जो एक आप ये कहें कि बराबरी की सूरत हाल या अमन अमान की सूरत हाल या दूसरे तरह के जो भी इश्यूज हमारे लिए हैं, वो तमाम इश्यूज बेहतरी की तरफ जाएंगे. लेकिन अगर गवर्नमेंट अपने गवर्नेंस प्रोसेसेस को बेहतर ना कर सके तो ये मुल्क में बहुत सारे इश्यूज को क्रिएट कर देते हैं. अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री डू नॉट हैव अ प्रॉपर प्लेस टू लिव. हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ी तादाद में रहने वाले लोगों के पास बेसिक या बुनियादी फैसिलिटीज़ है भी नहीं, और उनके पास एक प्रॉपर एक ऐसी जगह भी नहीं है जहां पर वो अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सके. ओके, सो दिस इज़ द पॉवर्टी लाइन रेशो, जिसमें ये कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त के साथ साथ इसमें बेहतरी होती गई है. Now the poverty line ratio of Pakistan is 24.3 कहा जा रहा है, लेकिन now it is 24.3 और ये बेहतर हो रहा है दिन ब दिन according to the research और result. But COVID तक के अभी तक कोई रिजल्ट और फाइंडिंग शामिल नहीं हुए हैं. लेट्स सी कि जब COVID के बाद, क्योंकि UN ने अभी तक कोई ऐसे रिजल्ट ऐसे दिए नहीं है, दैट्स द 5-year plan, every 5 year इस तरह के रिजल्ट जो है वो शाया होते हैं, बट स्टिल didn't get the basic the latest result from the after the COVID effect. Next issue or social issue of Pakistan is child labor. Child labor, I hope you all have a very good understanding on it, but what the child labor by definition says, let's see. Child labor is a violation of a children's rights. The world can harm them mentally or physically, expose them to hazardous situation, or stop them from going to school. Child labor इन तरह के violations को कहा जाता है जहाँ पर बच्चों को mentally, physically expose किया जाए, उनके लिए मुश्किल सूरत हाल पैदा की जाए और उनको पढ़ने या आगे बढ़ने के अमल से रोका जाए. That is called the child labor. अब आगे आप देखें यहाँ पे और कहा जा रहा है, देयर इज नॉट एन इशू व्हेन अ चाइल्ड इज वर्किंग टू प्रोग्रेस देयर लाइफ स्किल विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग देयर हेल्थ. बहुत सारी जगहों पर यह बहस मैंने सुनी है कि यूएस या यूरोपियन यूनियन जो है वो पाकिस्तान में होने वाले चाइल्ड लेबर की बात कर रहे होते हैं, उनके चाइल्ड लेबर की आप क्या कहेंगे जब उनके बच्चे जो है वो न्यूज़पेपर बेच रहे होते हैं या वो उनके टीनएजर्स जो है वो रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं, तो क्या ये चाइल्ड लेबर रही है? तो इस पॉइंट को टैकल करने के लिए, इसे इनकाउंटर करने के लिए यहाँ पे ये देखें लिखा गया है कि वो सिचुएशन जहाँ पर बच्चे काम करें, मेहनत कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन ना उनकी सेहत कॉम्प्रोमाइज होती है, ना उनकी वेलबींग कॉम्प्रोमाइज होती है और ना ही उनकी एजुकेशन. इस तरह के काम करने का मकसद उनकी स्किल्स विदाउट, अब देखिए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, ना उनकी सेहत, ना उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी रहन सहन और ना ही उनकी तालीम मुतासर हो रही होती है उस काम से. ऑफन ओल्डर चिल्ड्रन में डू कोर्स फॉर देयर पेरेंट्स और स्मॉल जॉब्स टू अर्न पॉकेट मनी और गेन वर्क एक्सपीरियंस. कुछ
जरा बड़े बच्चे जो टीन एज अगर आप बात करेंगे तो वो ऐसे होते हैं कि वक्त के साथ साथ वो अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए या अपनी इनकम खुद अर्न करने के लिए, अपनी पॉकेट मनी खुद जनरेट करने के लिए या किसी भी तरह के काम को एक्सपीरियंस करने के लिए जो है वो छोटे मोटे जॉब्स कर रहे होते हैं. दिस वर्क प्रिपेयर्स देम फॉर देयर अडल्ट वर्किंग लाइफ. और ये इस तरह के काम या इस नोयत के काम जो है उनको तैयार कर रहे होते हैं उनके आने वाले दिनों में बेहतर तरीके से काम करने में. बट अराउंड द वर्ल्ड मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन डू वर्क इन चाइल्ड लेबर. अब चाइल्ड लेबर क्या है? जहाँ पर आप उनके हकूक को वायलेट करें. उनके कौन से हकूक? उनकी जहनी सेहत, उनकी जिस्मानी सेहत, उनके लिए मुख्तलिफ सिचुएशंस पैदा करना और उनको तालीम के अमल से रोकने, ये तमाम उस बच्चे के हक होते हैं. जब आप उस बच्चे के इन हकूक से उसे महरूम करते हैं तो डेफिनेटली दैट इज अंडर द चाइल्ड लेबर. दे वर्क इन अ फील्ड्स, इन अ फैक्ट्रीज, डाउन माइंस, एज अ सर्वेंट और मेड्स और सेलिंग गुड्स इन द स्ट्रीट और एट मार्केट्स. बच्चे वो चाइल्ड लेबर में वो चीज़ इंक्लूड है जब ये बच्चे खेतों में काम करते हैं, फैक्ट्रीज में काम कर रहे होते हैं, माइंस में काम कर रहे होते हैं. डाउन माइंस यानी कि जो अंधेरी जगहों पर या किसी चीज़ की खुदाई वगैरह के लिए काम कर रहे होते हैं और किसी के घर पे मेड्स या सर्वेंट होते हैं, कोई गुड्स बेच रहे होते हैं गलियों में, मार्केट्स में. गर्ल्स आर मोर लाइकली देन अ बॉयज़ टू डू डोमेस्टिक वर्क. लड़कियाँ बनिस्बत लड़कों के ज़्यादातर घरों के काम कर रही होती हैं और लाइक सच एज अ क्लीनिंग, मेकिंग फूड एंड सर्विंग. इस तरह के काम की नोयत जो बच्चे कर रहे होते हैं दिट इज अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अ चाइल्ड लेबर. और आप देखें कि चाइल्ड लेबर की वजह से कितने इश्यूज क्रिएट होते हैं. रिसेंटली हमने देखा कि पाकिस्तान में एक बच्ची को जो है जो हाउसमेट थी उसे सिर्फ इस बेसिस पर पनिश किया गया कि उस बच्ची ने घर का जो तोता जो एक पैरट या बर्ड था उसे उड़ा दिया. She was punished. और इसके अलावा आए दिन हम ऐसे इंसिडेंट्स देख रहे होते हैं कि डोमेस्टिक वर्क जो बच्चियां कर रही होती हैं उनके ऊपर किस तरह के मजालिम किए जाते हैं. तो इट्स द पार्ट ऑफ अ चाइल्ड लेबर. और यहाँ पर आप उनके बहुत सारे हुकूक जो है उन्हें नहीं दे रहे हैं. चाइल्ड लेबर इन पाकिस्तान. पाकिस्तान दुनिया के उन कुछ ममालिक में शामिल हैं जहाँ पर चाइल्ड लेबर की बहुत ही वर्स सिचुएशन है, लेकिन फिर भी बहुत सारे इदारे बहुत एक्टिवली पाकिस्तान में काम कर रहे हैं. और रिसेंटली चाइल्ड इंटरनेशनल चाइल्ड लेबर डे था और जब हम पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर की बात करेंगे तो आप सर्च भी कीजिएगा इस पर, इकबाल मसीह की आप जो है उनकी स्टोरी को आप देखेंगे, उनके लाइफ एफर्ट को देखेंगे कि एक छोटे से बच्चे ने किस तरह से अपने जैसे बहुत सारे बच्चों की जिंदगियां बचाई और एक ऐसे सेक्टर को हाईलाइट किया जो बच्चों से काम करवा रहा था और उस सेक्टर के इश्यूज को हाईलाइट किया और यूएन में जाकर खड़े होकर जो है अपने और अपने जैसे वल्नरेबल बच्चों के राइट्स के ऊपर बात की और आवाज़ उठाई. सो इश्यूज इन पाकिस्तान जिसपे हम एड्रेस करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अब चाइल्ड लेबर की रोकथाम के लिए काम कर रहे हैं. आई वॉन्ट टू कोट वन एग्जाम्पल ऑफ जिंदगी ट्रस्ट. जिंदगी ट्रस्ट इज एन एन जी ओ विच इज रन बाय द शहजाद रॉय, द फेमस सिंगर ऑफ पाकिस्तान. जिंदगी ट्रस्ट के तवसत से शहजाद रॉय ने ऐसे बच्चों के लिए स्कूल का कॉन्सेप्ट किया है जो काम कर रहे होते हैं. और जब इनिशियली ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया उन्होंने तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि हम आपको आपकी वो उजरत देंगे जो आप काम करके आपको मिल रही होती है, उस उजरत के लिए बस आपने ये करना है कि आप स्कूल पढ़ेंगे, आप हमारे स्कूल्स को ज्वाइन करेंगे. और उस बेसिस पर बहुत सारे स्ट्रीट स्कूल्स में उन इलाकों में जहाँ पर चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा है वहाँ पर बहुत स्ट्रीट स्कूल्स या जिंदगी ट्रस्ट के नाम से जो स्कूल्स थे उन्होंने बहुत तरक्की की और बच्चों को आगे बढ़ने का मौका भी मिला. और आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में TCF के जैसे इदारे या दूसरे इदारे जो हैं वो बच्चों के ऊपर काम कर रहे हैं, स्पेशली उन एरियाज में
जहाँ पर एक तो चाइल्ड लेबर भी है और जहाँ पर एजुकेशन एक्सेसिबल नहीं है उन अंडर प्रिविलेज एरियाज के लिए. अबाउट अब पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर की अगर हम बात करेंगे तो दैट्स स्टेटिस्टिक्स पे कहा जाता है कि अबाउट 3.3 मिलियन ऑफ पाकिस्तानी चिल्ड्रन आर ट्रैप्ड इन द चाइल्ड लेबर depriving them for their childhood, their health and education and condemning them to a life of poverty and wants. 3.3 million से करीब बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान में trapped है because of a child labor. The median age for a child entering the workforce was 7. 10 से कम साल तक की उम्र के बच्चे जो हैं वो child labor जो हैं वो होते हैं और एक जो मीडियम जो एक एवरेज तादाद दी गई वो है कि 7 साल की उम्र से बच्चे जो हैं वो काम कर रहे होते हैं. ये डेटा है 1994 के हवाले से कहा जा रहा है. इट वाज एस्टिमेटेड दैट 1/4 ऑफ द कंट्री वर्कफोर्स वाज मेड अप ऑफ चिल्ड्रन और ये एस्टिमेशंस कही जाती है कि पाकिस्तान में जो वर्कफोर्स है उसमें चौथाई हिस्सा जो है वो इस कम उम्र के बच्चों के ऊपर मुनसर कर रही है. The ILO through its international program on the elimination of a child labor, ये एक initiative है, एक organization है जो according to the UN standards जो है वो पाकिस्तान में काम कर रही है for the elimination of a child labor. It's providing technical assistance to the government of Pakistan and employers and workers organization for the prevention, elimination of a child labor for the country. Now, why the child is go for to work? Because of the poverty. पॉवर्टी की वजह से बच्चे जा रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, दूसरी तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ में वो शामिल हो जाते हैं. इस तरह के इदारे ऐसे लोग जो है गवर्नमेंट के साथ मिलकर, चूँकि ये अच्छा रेशो नहीं है, हुकूमत का भी एक इट्स नॉट अबाउट द इन अ गुड लिस्ट. आप चाइल्ड लेबर इन पाकिस्तान की जब आप बात करेंगे तो आप देखेंगे कि कितने सारे आर्टिकल्स इस हवाले से हैं. तो ये किसी मुल्क की एक अच्छी इमेज को नहीं बना रहे होते. That's why government चाहती है कि वो अपने standards को बेहतर कर सके. Because अगर हम बात करेंगे sustainable development goals की तो वहाँ पर equal rights की या well-being की बात कर रहे होते हैं, तो child rights के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों को उनके हुकूक दे सकें, तो उनके बुनियादी हक है तालीम का, सेहत का, ज़िंदगी बसर करने का. तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप उसे बच्चे को उसकी एज तक, जब तक वो मेच्योरिटी एज पर ना आए, आप उसको वो तमाम चीज़ें बेहतर तरीके से दे सकें. तो हुकूमत इस तरह के इदारों के साथ काम करती है और ये इदारे हुकूमत को टेक्निकल सपोर्ट भी जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं. अंडर द ILO चाइल्ड लेबर प्रोग्राम वेरियस सक्सेसफुल इनिशिएटिव हैज़ बीन कैरिड आउट ऑन द. अब ILO ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स उठाए हैं और जो कामयाब भी रहे. अब उन बिजनेसिस का जिक्र आ रहा है जिसमें चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा हद तक मुंसलिक है, लाइक सॉकर वॉल. फुटबॉल की अगर हम बात करेंगे तो उस पर कहा जाता है कि चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा इंगेज है. कारपेट वेविंग, बुनाई, कालीन की बुनाई के काम में, सर्जिकल, ग्लास बैंगल्स, डीप सी फिशिंग जो है, जितने भी आपके फिशिंग रिलेटेड हैं, लाइक प्रॉन्स की सफाई होती है, फिशिंग के हवाले से होती है, उसमें भी चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा इंगेज है. दैट्स अबाउट द कराची एंड अबाउट द बलोचिस्तान रीजन ऑल्सो. लेदर टैनरीज यानी कि चमड़े का जो काम होता है उसमें भी बच्चों को मुंसलिक किया जाता है. डोमेस्टिक वर्क, काउंसलिंग, रैक पैकिंग, पिकिंग, ऑटो वर्कशॉप्स, ब्रिक क्लीन सेक्टर, ये तमाम के तमाम वो सेक्टर है जहाँ पर बच्चों या चाइल्ड लेबर को इंगेज किया गया है और ये इदारे काम कर रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं ताकि चाइल्ड लेबर ना हो, रिड्यूस करे इस प्रोसेस को. ILO has also responded rehabilitated child labor in the earthquake affected areas. In all these ILO's intervention, thousands of child labor girls and boys have been rehabilitated through the prevention of a non-formal education and related services. In bachon ke liye wo facilities, taleem ki, sehat ki aur dusri sahulaton ke hawale se ye organizations jo hai wo provide kar rahi hoti hai taaki wo unko support kare aur apne interventions ko behtar kar sake. So this is all about today's lecture. These slides will be shared once it is really completed, because hamare paas abhi bhi in slides ke kuch aur component reh gaye hain. So once the component will be completed, the slides will be shared to you. Further, today I'll share assignment with you all. Or if the classes agree on to be on a Google Classroom, so please let me know. So I'll make the Google Classroom.
और आपसे वो कोर्स शेयर कर लूँगी ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें ये होगा कि आपके लेक्चर्स, लेक्चर्स के लिंक्स, तमाम की तमाम चीज़ें जो है उसमें शामिल हो जाएगी। ओके, यहाँ पे सना पूछ रही है कोल माइंस क्या होती है। बेटा जो कोयले के खान होते हैं, जहाँ पे कोयले की खुदाई है, उसमें जो काम किए जाते हैं, उन्हें कोल माइंस कहा जाता है। और इस तरह के बहुत सारे माइंस पाकिस्तान में हैं जहाँ पर बच्चे भी काम कर रहे होते हैं। सो आई होप यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑन ऑल दिस थिंग। इफ एनीथिंग इज नॉट क्लियर टू यू, प्लीज लेट मी नो। राइट नाउ आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस साइड, फ्रॉम द यूट्यूब लाइव सेशन। कोई भी क्वेरीज आपकी हैं, कंसर्न्स हैं, इश्यूज हैं, प्लीज आस्क मी ऑन अ ग्रुप। और जो बात आज हमने लेक्चर के स्टार्ट में कही है, काइंडली आप उसे फॉलो करें। और अगर आप लेक्चर को मिड में ज्वाइन कर रहे हैं, तो प्लीज़ 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 आप लेक्चर को दोबारा से कंटिन्यू करें या उसे डाउनलोड करें वंस यू गेट द टाइम। दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। और उम्मीद है कि कल के दिन जो है हम और बेहतर तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।